आपको पिछले महीने का वक्त याद होगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अचानक से 2000 रुपए के नोट को सिस्टम में वापस लेने का ऐलान किया था। इसके लिए पब्लिक को 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक का वक्त दिया गया है। अब एक बार फिर 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई गवर्नर ने बड़ी जानकारी दी है। इसके साथ ही जिन दो खबरों को लेकर बाजार में अटकलें तेज थी, एक तो 500 रुपए के नोट क्या बंद होने जा रहे हैं और दूसरा 1000 रुपए के नए नोट आ रहे हैं, इस पर भी आरबीआई गवर्नर ने जवाब दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने 2000 रुपए के नोट को लेकर क्या कहा है, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या 500 के नोट बंद होने जा रहे हैं और क्या 1000 रुपए के नए नोट आएंगे। इसके लिए आपको आरबीआई गवर्नर का ये बयान सुनना होगा, फिर आपको इसका मतलब और मायने समझाते हैं। So far as 2000 rupee bank notes are concerned, you would recall that we had said as on 31st March this year, totally 3,62,000 crore notes, 2000 rupee notes were in circulation. After the announcement that we made, totally so far about 1,80,000 crores, 1.8 lakh crores of 2000 rupee notes have come back. And this is roughly about 50% of the 2000 notes which were in circulation on 31st March. So 50%, with reference to that number, 50% has come back after our announcement. About 85% of the 2000 rupee notes are coming back as deposits into bank accounts. And let me also take this opportunity to say that this is, you know, more or less, this is in line with our expectations. कि जैसे मैंने पहले एक, you know, दो हफ्ते पहले मैंने कहा था कि आप आराम से जब भी आपको टाइम हो आप जाके एक्सचेंज कर दीजिए या आप 2000 रुपी नोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, करेंसी हमारे पास बहुत स्टॉक्स है, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपके सुविधा के अनुसार आप उसको डिपॉजिट करिए या एक्सचेंज करिए। बट उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 30th सितंबर, मतलब वो लास्ट जो 10-15 दिन होता है 30th सितंबर से पहले, उस वक्त किसी तरह की मतलब सडन पैनिक रश क्रिएट मत करिए, आराम से अभी तो बहुत टाइम है, उसके अंदर आप आपके टाइम के हिसाब से जब भी आपको सुविधा होगा, सुविधा हो रहा है तो आप उसको डिपॉजिट कर दीजिए या एक्सचेंज कर दीजिए। आरबीआई गवर्नर का साफ कहना है कि अब तक 2000 रुपए के 1,80,000 करोड़ रुपए के नोट सिस्टम में वापस आ गए हैं, यानी कि ये कुल सर्कुलेशन के 50% नोट सिस्टम में वापस लौट आए हैं। इसमें 2000 के करीब 85% नोट बैंक में डिपॉजिट हो गए हैं और 15% एक्सचेंज के जरिए आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप आराम से बैंक जाकर नोट बदलवा सकते हैं, जल्दबाजी या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नोट वैध रहेंगे, इसलिए कोई भी कारोबारी या संस्थान आपसे इन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता। अब बात करते हैं 500 और 1000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा। कि 1000 रुपए नोट इंट्रोड्यूस होगा क्या, 500 रुपए नोट को विथड्रॉ करेंगे क्या जी, इस सारे मामले में मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है और ऐसा भी आज के तारीख में और ऐसा भी कोई थिंकिंग नहीं है। Therefore, किसी तरह की स्पेकुलेशन मार्केट में, किसी तरह का स्पेकुलेशन ना किया जाए, मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को, जनरल पब्लिक को कहना चाहता हूं कि किसी तरह का स्पेकुलेशन मत करिए। अभी ये जो आप कह रहे हैं, मैंने कहा कि मेरे पास जानकारी नहीं है और ऐसा कोई आइडिया भी नहीं है। यानी आरबीआई गवर्नर का साफ कहना है कि 500 के नोट ना ही बंद हो रहे हैं और ना ही वापस लिए जा रहे हैं। ऊपर से उन्होंने ये भी साफ किया कि 1000 रुपए का कोई भी नया नोट नहीं आ रहा है। आरबीआई गवर्नर का मानना है कि बैंकों में 2000 रुपए के नोट जमा होने से एवरेज लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ने के संकेत पर आरबीआई गवर्नर ने मोहर लगा दी है। लिक्विडिटी बढ़ने का फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। लिक्विडिटी बढ़ने का दूसरा फायदा ये भी होगा कि बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगी, वहीं बैंकों पर ब्याज दर बढ़ाने का दबाव भी कम होगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।